हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम बाज़ार आए हुए हैं। अब आप ये बताएं, गैस करें ये कौन सा बाज़ार है, और ये बताएं कहां पर मैं खड़ा हूं इस वक्त। और ये है नूर, ये सबसे छोटी सी है, और ये है मेरा बेटा मोहम्मद अरहम। से हाय अरहम। अच्छा, और ये है नूर। नूर इधर देखो, हाय करो। अपने बाबा को भी कहो हेलो बाबा, हाय हाउ आर यू। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम अब घर आ गए थे कि पेंडिंग पहले काम कर लें, बर्ड से रिलेटेड कुछ काम थे। शायद बहुत से दोस्तों को पता है और बहुत से दोस्तों को नहीं भी पता। जो विलेज वाले लोग हैं, गांव के हैं, उनको तो पता होगा कि ये क्या चीज़ है। मोस्टली उनको नहीं पता कि यार ये क्या चीज़ है। इसकी कंडीशन देखकर, अभी इस कंडीशन में किसी को भी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब इसको साफ सूफ कर लेंगे, इसके निकाल लेंगे बीज, फिर पता चलेगा कि यार ये क्या चीज़ है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें गंद है, बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट है, और इसकी सफाई होगी, धुलाई होगी, फिर उसके बाद हम इसको ना स्टोर करके रख सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो जैसे आपको पता है ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, बर्ड्स ब्रीडिंग मोड पर आ रहे हैं, क्योंकि अगस्त ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। बाकी इसके अलावा फ्रेंड्स मुझे बताएं, मेरे पास एक फ़ीमेल है और मुझे अफ्रीकन ग्रे का एक मेल चाहिए। मशवरा दें कि अफ्रीकन ग्रे में मुझे कैप्टिव मेल लेना चाहिए ब्रीडिंग के लिए, या वाइल्ड मेल अच्छी ब्रीड करता है। तो मुझे अपने कॉमेंट्स में लाजमी बताना है कौन सी अच्छी ब्रीड करता है, कैप्टिव मेल अफ्रीकन ग्रे में अच्छी करता है या वाइल्ड मेल अच्छी ब्रीड करता है। बाकी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बर्ड मार्केट में आया हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे पैरट्स हैं। मुझे एक मैंने आपको दिखाना है, ये तो है रेड विंग मकाओ, और बाकी मुझे मैं आपको दिखाता हूँ अफ्रीकन ग्रे का मेल। ये है एक अफ्रीकन ग्रे मेल, ये टेम है, टेम एंड टॉकिंग मेल है। तो अब आप मुझे बताएं ये लेना चाहिए, क्योंकि इसकी प्राइस वो मुझे बता रहे हैं ऑलमोस्ट 1,10,000। A few moments later. जी अस्सलाम वालेकुम तस्लीम भाई, क्या हाल चाल है, तबीयत ठीक है आपकी? तस्लीम भाई, ये वाली मेरी, ये मेरा ब्रीडिंग केज है और ये वो फीमेल है। अच्छा, अब मैंने इसका ये बॉक्स उतार दिया है यहाँ से, और अब मैं चाह रहा था कि इसको इसी में रहने देता हूँ। ये मेरा लवबर्ड वाला केज है, ये ऑलमोस्ट 2.5 फुट ऐसे होगा और 2 फुट ऐसे होगा, इस तरह का ये देखिए केज है। अगर वो मेल को मैं इधर छोड़ता हूँ और फीमेल इधर है, तो ये आपस में अटैचमेंट इनकी हो जाएगी, तो ये मुझे आपने बताना है। The next day. जी फ्रेंड्स, तो ये मेरा पेंडिंग हो गया था सारा, तो फिर ये नेक्स्ट डे दोबारा मैंने स्टार्ट कराया। यहीं से सूरजमुखी की सफाई हो रही है बेसिकली। इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है, और ऊपर कचरा भी है। जब ट्रैक्टर वगैरह चलता है तो ये मिक्स हो जाता है, कचरा वगैरह सारा। तो हम सोच रहे थे धुलवाएँ, लेकिन अभी मैंने कहा पहले छानना लगवाता है, फिर छानने से साफ करा के फिर इसको धुलवाएंगे। ये देखिए अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें मिट्टी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी। तो अब मैं इसको धुलवाता हूँ, हवा देंगे बस, और कुछ नहीं। ना इसे हवा लगेगी, ना हवा इसे जाएगा। नहीं, धुलाने की जरूरत नहीं, हवा देंगे, ये सारी मिट्टी से ये गंद वगैरह निकल जाएगा। अभी ये आपको मैं लगाता हूँ ना धोने के लिए, आज आपने धोना है। चिड़कू जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें से अभी गंद निकला है, लेकिन मैं फिर भी धुलवाऊंगा, धुलवा के पता चलेगा कि साफ होती है कि नहीं। A few moments later. जी फ्रेंड्स, तो ये देखें धुलवाने के बाद तो ये और ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो बस अभी फ़िलहाल अब इसको हम, मैं सोच रहा था कि ये धुल के सही हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। तो अब हम सोच रहे हैं कि इसको ना खुश्क करवाते हैं, इसको रख के खुश्क करेंगे, धूप लगाएंगे, और फिर मेरे पास सोच रहा हूँ सीड क्लीनर है जो परिंदों की, जिससे खुराक साफ़ करते हैं, उससे फिर इसको साफ़ करके देखेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है उससे साफ़ हो जाएगी। तो बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर। अपनी दुआ में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।